प्रदेश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर धार्मिक भ्रमण के साथ साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शिमला से सटा विकास खंड बसंतपुर के अंतर्गत शाली टिब्बा भी इसी तरह का एक स्थल है जो पर्यटन मानचित्र पर उभरा जरूर है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ सुविधाओं का विकास करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। समुद्र तल से 2,850 मीटर ऊंची इस चोटी पर इन दिनों मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जोरों पर है। मंदिर के पुजारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि ये मंदिर आसपास के ग्रामीणों, सरकार और श्रद्धालुओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग से ही काम करवा पा रहा है। उन्होंने कहा कि पैदल मंदिर तक सामान पहुंचाने में ही ज्यादातर बजट खर्च हो जाता है और इसलिए सभी से मंदिर निर्माण के लिए आगे आने का उन्होंने आह्वान किया है। भक्त लोग हैं, जन सहयोग की आर्थिक जो हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाए, किसी से भी, किसी संस्था से हो जाए, किसी गवर्नमेंट के किसी से हो जाए, तो उसमें तो रहता ही है, क्योंकि धन का यहाँ पे हमारा जो खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि खच्चरों पे और लेबर से ही हमारे को कैरेज करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि ये माता दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री और माता भीमाकाली का संयुक्त स्थान है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मेले व त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में बनी सराय में 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और इसे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। ये आदिकाल से विद्यमान है और हमारी जो दूसरी माता है भीमाकाली, वो सराहन नामक जगह से जो है हमारे पूर्वज बद्रा नाम था उनका जी, वो यहाँ पे लेके आए थे और माँ भीमाकाली जो है कुछ समय तक यहाँ पे रही। उसके बाद हमारा जो मूल स्थान है भीमाकाली का, वो दलाना नामक स्थान पे है जी, नीचे वहाँ पे माता उसके बाद चली गई थी जी। तो ये दो शक्तियाँ विद्यमान है जी यहाँ पे। बाकी हमारे जो है द्वारपाल जैसे होते हैं, भैरव जी हैं, यहाँ पे माता भीमा का स्थान भी है। ये जो स्थल बहुत ही सुंदर स्थल है जी।